रेलवे मुलाजमीन कहते हैं 200% महंगाई में इंतहाई कम इजाफा किसी सूरत मंजूर नहीं। देखिए मौसिन मुल्क की ये रिपोर्ट। मुल्तान के रेलवे मुलाजमीन भी वफाकी बजट से नाखुश हैं। मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 10% इजाफे को मुस्तरद कर दिया। तनख्वाहों में इंतहाई कम इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है, 10% भी हमें नहीं मिलेगा। 6% हमने भी सुना है बजट, हम पढ़े लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 6% से ऊपर नहीं मिलेगा, जबकि कटौती महंगाई जो है वो 400%। रेलवे मुलाजमीन कहते हैं कि जिस तरह महंगाई हुई, तनख्वाहों में कम अज कम इजाफा 50% होता तो ही काबिले कबूल था। बजट में जिस तरह लफ्जों का हेर फेर किया गया, इससे गरीब का चूल्हा बंद हो जाएगा। हुकूमत को हमारे हालात पर रहम करना होगा। मजदूरों का खून चूसने के लिए बजट दिखा दिया, इन्हों का सारा लफ्जों का हेर फेर है। तनख्वाह इतनी कम है कि हम अपने बच्चों को स्कूल दाखिल नहीं करा सकते, किताबें नहीं लेकर दे सकते। रेलवे मुलाजमीन कहते हैं कि महंगाई में 200% इजाफा किया गया, जबकि 40,000 तनख्वाह लेने वाला भी टैक्स देगा। इंसाफ वाली पार्टी ना इंसाफी से काम ले रही है। इस दौर में इस तनख्वाह में गुजारा करना नामुमकिन बन गया है। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान।